नमस्कार महसलमुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। थाने डोंबेवली की महानगर पालिका और वन विभाग की तरफ से जो टिटवाला में कार्रवाई की गई है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, लगभग 400 झोपड़ों को जो है तोड़ दिया गया है, लोगों को बेघर कर दिया गया है। वो लोग यहाँ पर आज थाने आश्रम गृह के सामने जो है एक आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का मकसद है कि उन्हें फिर से जो है उनको घर मुहैया कराया जाए और उनका रहने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कहीं भी रहने की सुविधा नहीं है। पर जो महिलाएं हैं ये पूरी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रही है, पूरा जो वन विभाग की तरफ से जो है वन विभाग को जो है नारेबाजी लगा रही है, उनके खिलाफ है ये लोग जो महिलाएं। तो आप बताइए आप क्यों इतना गुस्से में है, क्या आप 10 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, हम मीटर टैक्स पावती भरती हूँ, पानी के नल के बहुत पावती भर देती हूँ, हम उसको टैक्स पावती का बिल भरती हूँ, 10 साल से उधर रह रही हूँ, भीख मांग के चाहे बर्तन धो के हम उसको घर को खरीदी करी, उसमें हमारे बच्चों लोग स्कूल जाता है, हमारे बच्चों लोग का स्कूल बंद हो गया, रूम तोड़ के तबाह कर दिया, हम उसके मट्टी से मिल गई हूँ, हमारा इंसाफ चाहिए। मैं रिचार्ज किया फॉरेस्ट वाला, कल का कानून किधर था, हमने वो जगह पे घर बनाई, फाउंडेशन मारी, पक्का घर तोड़ दिया, कल का कानून किधर था, महानगर पालिका किधर था, नगर सेवा किधर था, कानून सरकार किधर था, नरेंद्र मोदी किधर था, हमारा रूम तोड़ा, हमारा रूम चाहिए। आप लोगों ने देखा कितनी नाराजगी है, इनके आंखों में आंसू तक आ गए कि ये गरीब लोग हैं, इनका घर जो है फॉरेस्ट विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक दिन पहले महज लेटर देकर उसके बाद इनके घरों को तोड़ दिया। यहाँ पर काफी महिलाएं जो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है। आप बताए आप कहाँ से आई हुई? टिटवाला बनेली से। क्या हुआ आपके साथ? अभी हमारा रूम तोड़ने वाले हम लोग को लीगल चाहिए। आपका रूम अभी तोड़ा नहीं गया? नहीं, लेकिन लीगल चाहिए हम लोग, यानी कहीं ना कहीं अभी जो घर तोड़े नहीं गए हैं उन पर कार्रवाई अभी करनी बाकी है। तमाम महिलाएं जो अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर, आप बताइए कहाँ से आई हैं आप? सर हम लोग आज 10 साल से रहते हैं, अगर वो जगह वन विभाग की थी, टिटवाला बनेली से हम वहाँ रहते, वो जगह हम 10 साल से रहते, अगर वो जगह वन विभाग की थी तो वो जगह पे गवर्नमेंट टैक्स पावती क्यों दिया, नल क्यों दिया, मीटर क्यों दिया, इतने साल से हम भर रहे, हम कहाँ जाएंगे, मेरे पापा हैंडीकैप है, कहाँ से लाएंगे पैसा, पूरी जिंदगी की कमाई हम वो घर में लगाए, ये नोटिस दो मिलती है, हमको एक ही नोटिस दिया, ये कैसा कानून है, एक ही दिन नोटिस दिया, दूसरे दिन आके तोड़ दिया, रूम खाली करने के लिए हमको टाइम भी नहीं दिया, हमारा रूम सामान स्कूल का पढ़ाई सब, हमारे भाई लोग स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कहाँ जाएंगे, हमारी डिसा भी हमारा पेपर है, हम कहाँ जाएंगे पेपर देने, पुलिस ने डंडा भी मारी हमको, हमको जगह रूम निकालने सामान निकालने नहीं दिया, और अंदर हम घर रूम बंद करके जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने आप लोगों के साथ मारपीट भी की है? क्या मारपीट भी की है, सब जैसे वैसे, हमको मौका भी नहीं दिया सामान निकालने के लिए, अगर नोटिस आती है तो 1 महीने की आती है, ये कौन सा कानून है, 1 महीने पहले तो नोटिस दिया करो ताकि हम अपना रूम कहीं और भी सुविधा कर सकते। बिल्कुल, इन लोग का कहना है कि जो वन विभाग के अधिकारी है, जो पुलिस है, उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट भी की है। आइए हम जानते हैं, आप जो सर यहाँ पर निवेदन देने गए थे तो आप किसको निवेदन दिए? यहाँ पे हमारे जिला के माननीय कलेक्टर साहब, इनको हमने हमारे पूरे अम्बरली और टिटवाला के अंडर में बनेली बल्लेनी और अम्बरली और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के हद्दी में बसा हुआ एक बहुत बड़ा बसात है, आज वहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वो जगह पे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और वहाँ का वन विभाग ये मिलके संगत मत करके वहाँ के गोर गरीब जनता का घर तोड़ दिया गया। 400 घर तोड़ने के बाद अभी 600 घरों के ऊपर वो लोग ने नोटिस लगा दिया है। आज हम लोग के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, हम न्याय मांगे तो कहाँ मांगे और न्याय किसके पास मांगे, और हम कहीं न्याय मांगने जाते हैं? घर तोड़ने से पहले वन विभाग महानगर पालिका ने आप लोगों को कितना दिन पहले नोटिस दी थी? सर एक दिन का सिर्फ नोटिस दिया गया, 27 तारीख को नोटिस लिया, 28 तारीख को घर तोड़ दिया, सिर्फ एक दिन का समय था, और हमारा जो सामान था घर का वो सामान भी वो लोग ने निकालने नहीं दिया। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि वन विभाग के अधिकारी पुलिस जो है उन महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की है, तो क्या ये बात सच है, मारपीट हुई है? यहाँ पे
यहाँ पे ऐसा है, देखिए वहाँ पे जो भी वन विभाग के पुलिस थे और वो वन विभाग के पुलिस ने जबरदस्ती घर से बाहर निकाला और निकालने के बाद उनको ज़मीन पे लटा के लाठी से और लातों बुक्की से भी वहाँ पे मारहाण किया गया हुआ है। और इसका हमारे TV9 पे भी वो बात में लिखी जो हुई थी, लेकिन इसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि जिला अधिकारी साहब ने रिचसर इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए और इनको बर्तब नहीं करना चाहिए, इनको सस्पेंड करवाना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आनमारी का केस भी लागू होना चाहिए, क्योंकि आज वहाँ पे महिलाओं के शरीर पे अभी भी निशानी है। वो महिला यहाँ पे है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मारा गया है, क्योंकि वहाँ पे धड़प सही करके इनको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल के और मारपीट किया गया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और वन विभाग मिल के वहाँ पर झूठे बिल्डर खड़े करके, झूठे बिल्डर और उनको खड़ा करके वहाँ बांधकाम किया जाता है। बांधकाम करने के बाद ये सब लोग 10-10 हज़ार रुपये ये बांधकाम करने वाले से लेते हैं। वो ज़मीन कोई कब्जा करता है, आदिवासी प्लॉट यानी वन विभाग का प्लॉट कोई भूमि माफिया कब्जा करता है। कब्जा करने के बाद वहाँ पे बिल्डर खड़ा करके उसको बना जाता है, बांधकाम किया जाता है। वहाँ पे कोई बिल्डर ओरिजिनल बिल्डर एक भी नहीं है वहाँ पे, किसको ईटे के बारे में माल जानकारी नहीं है, मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं, ऐसे बिल्डर खड़े करके चाली बनाया जाता है। और वहाँ पर ये लोग 10-10 हज़ार के हिसाब से वो लोग से पैसा लेते, जब पैसा नहीं देते जाके उनका घर तोड़ते और पैसा देते बोलते हैं कि बांधकाम करो हम आप लोग के साथ है, क्योंकि इनका ये मिली। आप कह रहे हैं जो महानगर पालिका है, वन विभाग है और जो ये आप डुप्लीकेट बिल्डरों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये लोगों की मिली भगत है जो एक तरफ से पैसा उगाही कर रहे हैं? वहाँ पे पूरी तरीके से महापालिका का और वन विभाग का पूरी के पूरे मिली भगत है। इसमें डुप्लीकेट बिल्डर इसके लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि वो लोग खुद आगे बांधकाम नहीं कर रहे, किसको खड़ा कर रहे उसको बोलते हैं कि तुम बांधकाम करो हम सपोर्ट में खड़े। जब घर बन जाता है, घर बनने के बाद वहाँ का पूरा ज़मीन भरने के बाद वो लोग ने अभी क्या किया, ये तोड़ना चाहिए बोल के वो लोग ने वहाँ पे अर्जी करवाया। वन विभाग के पास इतना सारा अर्जी है कि ये घर तोड़ो बोल के वही लोग ने बनवाया, वही लोग ने तोड़ने के लिए वहाँ पे अर्जी करवाया और सभी घरों को बगैर नोटिस दिया, एक दिन का मोहलत दे के पूरे घर तोड़ दिया गया। उसमें सर टिटवाला इंदिरा नगर से लेके कल्याण के इंदिरा नगर से लेके गोविंदवाड़ी रेती मंदिर जब जितने भी घर है ये सभी घरों के ऊपर ये लोग का बुलडोजर चल गया और चल रहा है और इनका कोई पर्याय व्यवस्था नहीं करते। और टैक्स पावती है, लाइट मीटर है और पानी का बिल है और वहाँ का राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सभी डॉक्यूमेंट सभी नागरिकों के पास है। लगा के देते हैं ये देखो, ये टैक्स पावती लगा रहे, उस समय तो बांधकाम इनके नज़र में तो सही था तो आज घर तोड़ रहे, इनका मतलब है आज का बांधकाम इनका अनलीगल है। यानी इसमें देखिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में घर बेचते हैं और उस स्टाम्प पेपर का मुदत आपको ही पता है, मेरे मीडिया भाई और सभी मीडिया भाई और को भी मालूम है। ये देखिए टैक्स पावती, ये देखिए ये लाइट बिल है, ये टैक्स पावती है, देखिए पूरे का पूरे करप्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आज गोर गरीब जनता को फंसाया जा रहा है। और इस जनता के जो फसुंग नहीं हुआ है, इस जनता का जो फसुंग नहीं हुआ है, इस जनता का फसुंग किया गया है सत्याग्रह फोरम और इस फसुंग के लिए लास्ट तक लड़ेगा, जब तक सत्याग्रह फोरम के अंदर जान में जान रहेगी तब तक लड़ेगा। आज सुबह मुझे बिल्डरों का कोई गांव गुंडा माफियाओं का धमकी आया था, आज मेरे को बोला गया तू ये लोगों के बीच में मत रहा, तेरे को यहाँ से उठाएंगे, तेरे को नंगा करके लेके जाएंगे और तेरे को इस जगह मारेंगे का पता नहीं चलेगा। ऐसा कौन से बिल्डर थे, क्या उनका नाम आप उजागर करेंगे? इसमें देखिए एक समीर नाम का बिल्डर है, उसने आज सुबह मेरे को धमकी दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसने जो धमकी दिया उसका रिकॉर्डिंग भी है, मैं चाहे तो मीडिया में दे सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे और मेरे परिवार के जान को भी धोखा है भूमि माफियाओं से, वहाँ के लोकल गुंडे से, मेरे परिवार को और मेरे जान को भी धोखा है उस जगह पे, क्योंकि सुबह सुबह धमकी आया, रात को धमकी आया, तो है कहाँ हमको बता, तेरे को उधर से उठाते, ये सब का मेरे को धमकी दिया गया, क्योंकि मैं कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गोर गरीब जनता के लिए खड़ा हो रहा हूँ। सत्याग्रह संगठन है एक, वो सत्याग्रह संगठन के नाम से मैं गोर गरीब के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आज मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही। मैं सभी मीडिया से यही दरख्वास्त करूँगा, मेरे ऊपर जो हो रहा है धमकी आ रही है, इसको सरकार तक पहुँचाया जाए और एक गोर गरीब को न्याय मिलना चाहिए और गोर गरीब को न्याय मिलाया जाए। ये कोई भी अगर इंसान को घर खाली करना हो चाहे कुछ भी हो, इतने कम पीरियड में घर खाली करना, क्योंकि हम लोग फैमिली वाले, कोई अकेले नहीं रह रहे थे कि चलो आज बोला कल हम निकल गए,
वो बात नहीं थी। आज हमारे बच्चे की एक कितना 10-15 दिन हो गई पढ़ाई बर्बाद, यही नोटिस देना था। आप हम लोग को 4 महीने का मोहलत दिए रहते क्योंकि अभी अप्रैल में बच्चे लोग का एग्ज़ाम था। सबसे बड़ा नुकसान बच्चे लोग की फ्यूचर हो गया। सरकार बोलती है फ्यूचर बनाओ, ऐसे फ्यूचर नहीं बनता। हमारा घर तो गया ही गया, पर सब पूरा एक तरह से सरकार को सिर्फ ये दिखा तोड़ना है, हमारा जगह है, मगर ये नहीं दिखा कि उधर जो लोग रह रहे हैं उनका पूरा क्या जा रहा है। हमारा इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग को टाइम देना चाहिए था उनको, एक दो जब मकान वहाँ रूम बांध, हाँ जब दो मतलब उधर एक बोर्ड लगाना चाहिए था ना उनको। हम 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल में आज क्यों जब इंसान उधर बस गया अपना पूरी मतलब अपना आगे का फ्यूचर देखने लगा, तब आके तुम लोग ने इतनी बड़ी कार्रवाई करके उधर ही स्टॉप किया। मतलब क्या आग बाकी का नहीं, उतने ही जगह पे क्यों सरकार को नजर थी? फॉरेस्ट बोलोगे तो ठाणे जिले में 80% फॉरेस्ट है, पूरा 80% तोड़ने के लिए तैयार है क्या वो लोग? 80% फॉरेस्ट है, आप देखो नेट पे सैटेलाइट्स पे देखो, 80% पूरा फॉरेस्ट है ठाणे जिले में, पूरा 80% फॉरेस्ट एरिया आता है। तो क्या उतना ही जगह? मगर ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बच्चे लोग का, पढ़ाई से लेके हर चीज। जब ये था, जब फॉरेस्ट जगह पे आप लोग ने लाइट बिल ये सब क्यों ये सब इशू किए? नहीं करना चाहिए था। हम टैक्स भर रहे हैं, 5 साल से मैं टैक्स भर रही हूँ, 1-2 साल से नहीं 5 साल से। उस दिन सरकार किधर थी कि उनके जगह पे कब्जा हो रहा है, टैक्स भर रहे हो जब? हाँ? आप बोलिए, आप कहाँ से आई? मैं टिटवाला से आई हूँ और कहा थी आम्बेवली बनेली चौक कहा थी जो ना, हम लोग रूम खाली नहीं कर रहे थे, हम लोग रूम नहीं खा, हमारा 2 लड़की है, हम लोग का मैं जॉब करती हूँ, हमारे 2 लड़की है, कहा थी जो ना हम लोग का कोई देखने, घर तोड़ दिया है और लेडीज पुलिस हो के 5-5, 6-6 लेडीज पुलिस मारा है, देख लो 5-5 देखो, 5-6। अब हमारी 13 साल की लड़की है उसको भी मारा है, बाल निकाल के घर से नहीं निकल रहे थे, उसको भी मारा है, हमको भी मारा है, हमारा सामान का जो नस्कान है, हमारा सामान का नस्कान भी चाहिए। तो ये महिलाएं थी जिनका घर जो है तोड़ दिया गया है, टिटवाला में जो कार्रवाई की गई थी इनके घरों को जो है तोड़ दिया गया है। जो यहाँ पर सत्याग्रह फोरम के बीके सोनार है, उनका साफ कहना है कि जो वहाँ पर डुप्लीकेट बिल्डर है वो वन विभाग से और महानगर पालिका से जो मिलजुल कर जो है वो लोग वहाँ पर पहले फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो है घर बनाते हैं, उसके बाद उनको बेचते हैं, जिस बेचने के बाद जब उसमें लोग रहने के लिए आते हैं उसके बाद वन विभाग से जो है वही बिल्डर जिन्होंने गरीबों से घर बेचा है वही बिल्डर फिर वन विभाग के पास शिकायत करता है और वन विभाग उस शिकायत के आधार पर जो है उन गरीबों के घरों को तोड़ देती है और महज एक दिन पहले लेटर देने के बाद दूसरे दिन उनके घरों को तोड़ा जाता है। इससे ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक दिन पहले लेटर क्यों दिया जाता है? आखिर जो घर तोड़ा गया है वो गरीब लोग अब सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर रह रहे हैं। और एक बात और सामने आ रही है कि जो पुलिस है, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ तक जो महिलाएं हैं वो लोग कह रही हैं कि जो है वन विभाग के अधिकारी और पुलिस ने उन महिलाओं के साथ जो है मारपीट की है और उन्हें घर से जो है निकाल कर जो है घरों से मारा गया, उनके सामानों को भी नहीं निकालने दिया गया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, परहार टाइम्स, ठाणे।